हेलो बच्चों, लेट आपको एक इक्वेशन दी हुई है SHM में, एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 5 cos 2πt प्लस 5/4, और हमसे पूछा टी टाइम इक्वल टू 1.5 सेकंड पे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, कैसे निकालोगे आप? तो आप सिंपली उसमें पुट कर दोगे एक्स इक्वल टू 5 cos 2π इंटू 1.5 प्लस 5/4 और एक्स इक्वल टू 5 cos 3π प्लस 5/4. तो 3π प्लस 5/4 होती है लगभग cos माइनस में 5/4, तो 5 इंटू माइनस 5/4 मीन्स माइनस 5 इंटू 1/2, और आंसर आपका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा. बट अगर यहीं आपको v निकालना है तो v के लिए आप क्या करोगे, v के लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे v इज इक्वल टू dx/dt, और आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का. तो 5 cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा, और साइन 2πt प्लस 5/4 इंटू 2π का फिर से होगा 2πt का, तो देन 2π, और वैल्यू पास कर देंगे इसमें 1.5, तो हमारा b इक्वल टू आंसर आ जाएगा 22.2. सेम अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और d2x/dt2, साथ ही साथ इसमें हम वैल्यू जैसे ही पास करेंगे तो -10π cos 2πt प्लस 5/4, और साथ ही साथ 2πt का फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे 2π की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी. नेक्स्ट माइनस ये सबको आगे लेके आने के बाद हमें मिलेगा -20π2, साथ में cos 2πt प्लस 5/4, और ये हमारा अगेन इक्वल हो जाएगा 139.4 m/s². यही हमारा एक्सेलरेशन है. आप इसको खुद से भी कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो आप इसको कर लेना.